तो गाइज, ऐसी 10 जगहों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो आपकी मेघालय ट्रिप को ज़िंदगी भर याद करने लायक बनाएंगी। ऐसी 10 जगह जो आपको जब भी आप मेघालय सोचोगे तो आपके सामने बार बार आएंगी, और ऐसी 10 जगह जो आपको बताएंगी कि मेघालय वाकई में जन्नत क्यों कहा जाता है, क्यों उसको बोला जाता है कि भाई नेचर का जितनी भी खूबसूरती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये 10 जगह आप बिल्कुल भी मिस मत करना, चाहे आप सोलो ट्रैवलर हो, चाहे आप कपल ट्रैवलर हो, चाहे आप फैमिली में ट्रैवल कर रहे हो। तो भाई ये 10 जगह के बिना मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपकी मेघालय की ट्रिप बिल्कुल भी पूरी नहीं हो सकती। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकलोली के। पहली ऐसी जगह है धमाकेदार, वो है वी सुडोंग वाटरफॉल्स। नाम थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है बट जो व्यू आपको मिलेगा वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है और इतना सुंदर वाटरफॉल मैं गारंटी बोल सकता हूँ आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, मेरे ना वर्ड बयां कर सकते हैं। तक आप उस खूबसूरती को अपनी आंखों से नहीं देखोगे ना तब तक आप बिलीव नहीं कर सकते कि इतनी खूबसूरत जन्नत हमारे देश में है। क्योंकि मुझे चिरापुंजी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत वाटरफॉल यही लगा है, वहाँ से गिरता हुआ है, तीन फ्लोर का है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीन लेवल का ये वाटरफॉल है और पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है ना बॉस, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। और जो रास्ता है वीसुडोंग वाटरफॉल का वो थोड़ा सा चैलेंजिंग, मैं बोलूंगा अगर उसको 10 के स्केल पे मैं बोलूं 3-4 नंबर में दे दूंगा, बीच में थोड़ा सा रफ टफ आता है, बट अगर आपके साथ कोई एजेड इंसान नहीं है तो आप वीसुडोंग वाटरफॉल भाई जरूर जाना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जगह है। इतनी खराब है कि आज के बाद ये कोई ट्रैक पे नहीं आएगी, इसके मन कर रहा है कि मैं आकाश को बस बोल दूं कैमरा ऑफ हो है ना, तो बोल दूं कि भाई तू मुझे क्यों लेकर आया यहाँ पे, कैमरे के सामने दिखा रही है कि बहुत जाबाज है। बस तीन टाइम है ओ भाई। दूसरे नंबर पे है नोकालिका फॉल्स, मेघालय का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, 340 मीटर की ऊंचाई है और खूबसूरती ऐसी कि आंखें बंद करोगे तो अभी भी नोकालिका फॉल्स मेरे को दिखता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जहाँ से वो पानी गिरता है ऊंचाई इतनी है कि वो नीचे जाते जाते आपको एक फुहारा टाइप बन जाता है, और जहाँ पर वो पानी गिरता है ना इतना साफ पानी आपने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। जो डिस्टेंस है जहाँ से हम उस वाटरफॉल को देखते हैं वो लगभग किलोमीटर से भी ज़्यादा होगा, और आप उस गहराई को उतनी दूरी से देख सकते हैं, एक एक पत्थर आपको क्रिस्टल क्लियर दिखता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सुंदर वाटरफॉल वो होगा। और इसमें सिर्फ इस जगह पर सिर्फ वाटरफॉल नहीं है, आप थोड़ा सा पैदल चल के जाओगे ना तो आपको ऐसा खूबसूरत जगह मिलेगी वॉक करने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा क्यों मेघालय को इतना खूबसूरत बोला जाता है। ऐसा जो नज़ारा है चारों तरफ से पहाड़, और एक जो आपको स्कॉटलैंड में दिखाते हैं ना पहाड़ पे जो चलने का एक सिंपल सा स्ट्रेच है, उसमें चारों तरफ जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ पर एक लश ग्रीन पहाड़ है, और वहाँ पर वॉक करने का जो मज़ा है ना वो नेक्स्ट लेवल है। तीसरे नंबर पे है डबल डेकर ब्रिज, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगह है मेघालय में। आप कभी भी मेघालय गूगल सर्च करोगे तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है कि आपको डबल डेकर ब्रिज की कोई भी फोटो ना मिले, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसके लिए आपको ट्रैक करना पड़ता है, 3,500 सीढ़ियों का ट्रैक है जो आपको पहले उतरनी है और उसके बाद 3,500 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी है, बट मैं आपको 100% बोल सकता हूँ कि ये एक वर्थ इट एक्सपीरियंस है, बट ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा मेंटली और फिजिकली फिट है, क्योंकि अगर आप थोड़े से भी अनफिट हो, थोड़े से मतलब ज़्यादा अनफिट हो तो आप नहीं कर पाओगे। मैंने काफ़ी लोगों को बीच में इस ट्रैक को क्विट करते देखा है, जो आते हुए आपकी जो थकान है वो आपकी थकान कौन मिटा देगा, वो मिटा देगी फिस मसाज जो वहाँ पर होती है। जैसे ही आप डबल डेकर रूट ब्रिज पे पहुँचते हो तो जो दो ब्रिजेस हैं उसके नीचे एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पॉन्ड है जिसमें आप पैर डाल के अपने बैठो, और वाह भाई मछलियाँ अपना काम खुद पे खुद शुरू कर देंगी, कहोगे कि हाँ ये वर्थ है, जब वो जो एक्सपीरियंस है ना वो मैं बोल सकता हूँ, वो बोलोगे हाँ यार वर्थ है। तो फोर्थ नंबर पे है सेवन सिस्टर वाटरफॉल जो कि पड़ता है चिरापुंजी में, और ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगहों में से एक है चिरापुंजी की। यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं 7 वाटरफॉल एक साथ आ रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हो कितना खूबसूरत वो नज़ारा होता होगा। बट मेरा बैड लगता कि मैं गया था दिसंबर में, और अगर आपको इस वाटरफॉल का वाकई में नज़ारा लेना है तो आपको जाना पड़ेगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में, क्योंकि यहाँ पर तब आपको पानी देखने को मिलता है, दिसंबर में बिल्कुल भी वाटरफॉल्स में पानी नहीं होता है। तो आप ये बात याद रखना अगर आप फैन हो कि यार आपको वाटरफॉल, इवेंचुअली सबको ये देखना है कि वाटरफॉल का मतलब ही तब है जब भाई पानी आए, अगर पानी नहीं आएगा तो फिर वो खाएगा वाटरफॉल। बट नहीं, जो वी सुडोंग है और जो मैंने आपको बताया नोकालिका फॉल्स, इनमें दिसंबर में भी पानी रहता है, बस जो सेवन सिस्टर वाटरफॉल है इसमें दिसंबर के टाइम में कोई भी वाटरफॉल मतलब नहीं चल रहा होता है, सातों बहनें कहीं छुट्टी पे जा रही होती हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना गाइस। हमारी ज़िंदगी में हमारा इतना पोपट करने लगा है कि अब हमारे फेस पर रिएक्शन भी नहीं आते हम ऐसे कहते रहते, ठीक है कोई बात नहीं। अभी हम आए हैं सेवन सिस्टर वाटरफॉल पे, मेघालय का सबसे फेमस वाटरफॉल है,
और यहाँ पे वाटरफॉल ही नहीं है मतलब। सो गाइज फिफ्थ नंबर पे है उमेम लेक और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस लेक है शिलोंग में। जब आप गुवाहाटी से शिलोंग की तरफ जाते हो तो ये 15 किलोमीटर पहले पड़ती है शिलोंग से और वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत जगह मैं से बोलूँगा। जैसे ही आप शिलोंग की तरफ बढ़ते हो गुवाहाटी से तो भाई ये ही पहली ऐसा डेस्टिनेशन है जो आपको याद दिलाती है या आपको एकदम मतलब ये चीज़ महसूस कराएगी कि आप मेघालय में एंटर कर रहे हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एक मैन मेड लेक है, यहाँ पर स्पीड बोटिंग और मतलब काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। सिक्स्थ नंबर पर है लेटियम कैनियन, ये पड़ेगा शिलोंग में ही। जैसे ही आप गुवाहाटी से शिलोंग में अपना होटल लेते हैं तो नेक्स्ट स्पॉट जो आप नेक्स्ट दिन जो कवर करेंगे वो लेटियम कैनियन है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जगह कहूँगा, एक इस तरीके का एक पहाड़ टाइप है। आप वहाँ पर जाते हो एक फ्लैट ग्राउंड है जहाँ से आपको पूरा एक वैली का व्यू देखने को मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है, बट मेरे साथ यहाँ पर ब्लफ हो गया। ब्लफ मतलब पोपट, जिसको कटना कहते हैं ना, पोपट हो गया अपना। हम वहाँ पर गए थे और वहाँ पर इतनी फोग थी ना गाइस, इतनी फोग थी मतलब 5-10 मीटर भी मैं नहीं देख पा रहा था। जो जो जिस व्यू के लिए मैं गया था वो व्यू मैं इंजॉय नहीं कर पाया। बट हाँ, एक वो कहते हैं ना, मेरा हमेशा से मानना है आप कहीं भी घूमने जाते हो तो एक जगह ऐसी होनी चाहिए जो आपको वापस खींच के लेके आए, मतलब जो कवर ना हुई हो। ऐसी मैंने राजस्थान में किया था, तो ये एक मैं मान रहा हूँ कि लेटियम कैनियन में से एक जगह है कि जिसकी वजह से मतलब मैं वहाँ गया भी और नहीं भी गया, क्योंकि मैं वो नज़ारा नहीं देख पाया जिसके लिए लेटियम कैनियन फेमस है। और हाँ भाई, अगर मैं इसको प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो बहुत हाथ जोड़ के माफी है, क्योंकि मेरे को वहाँ के नाम में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत है आप सर। सो गाइस, कई बार ट्रैवल करते हो ना, हम प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं और उसकी वजह से हमें कई बार लो फील होता है और हम उतनी एनर्जी से उस जगह का मज़ा नहीं ले पाते हैं, उस एडवेंचर का मज़ा नहीं ले पाते हैं जितना हमें लेना चाहिए। मैं कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ रियल वे प्रोटीन, ताकि मेरा जो प्रोटीन है डाइट में वो हमेशा पूरा रहे और मैं फील करूँ हमेशा एक्टिव और एनर्जेटिक अपने उस एडवेंचर के लिए। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं रियल वे प्रोटीन, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स हैं इनके, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स रहते हैं, मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और रेडी हो जाइए अपने नेक्स्ट एडवेंचर के लिए विथ फुल टू एनर्जी। और सेवन्थ नंबर पे है डव की भाई, जो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में फेमस है। और ये जगह आपको सिर्फ हैरान नहीं करेगी, आपको ये मान लो सरप्राइज नहीं करेगी, मतलब आपके रूह जो है ना, आपकी रूह भी बाहर आ जाएगी जगह पे जाके। इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर आपको दो ऐसे यूनिक एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं जो आपको शायद ही दुनिया में कहीं मिले। पहला एक्सपीरियंस है जो बॉर्डर का है, बांग्लादेश बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर पे कोई फेंसिंग नहीं है। तो मतलब ये पहला, मेरे को लाइफ में मैंने ऐसा पहला बॉर्डर देखा जहाँ पर आप लिटरली बॉर्डर पे खड़े हो सकते हो। बांग्लादेश बॉर्डर वाले उधर खड़े, बांग्लादेश वाले उस बॉर्डर के उस साइड खड़े रहते हैं, इंडिया वाले इस साइड खड़े रहते हैं, और बहुत से लोग इधर उधर आते भी हैं फोटो वोटो खिंचाने, कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक वहाँ पर जिसे कहते हैं ना माहौल होता है, सब लोग एक मतलब एज अगर हम देखेंगे बॉर्डर है तो बड़ा ऐसा लगता है कि किसी भी एरिया में जाते हैं यार बॉर्डर एरिया थोड़ा सा सेफ रहना, बट डाउकी में ऐसा कुछ भी नहीं है। बांग्लादेशी जो लोग होते हैं उनको बड़ा ही इंटरेस्ट रहता है कि भाई कैसे इंडिया में आए और एक फ़ोटो खिंचा लें। इंडिया वाले खैर कम ही जाते हैं, बट एक बहुत खूबसूरत होता है वहाँ के जो वेंडर्स होते हैं ना, सामान बेचने वाले होते हैं, चाय बेचने वाले होते हैं, वहाँ की मिठाइयाँ बेचने वाले होते हैं, वो काफ़ी लोग आते हैं डाउकी में इस साइड हमारे इंडिया सामान बेचने। तो एक वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस है जो मतलब आपको ना अंदर से ही खुश करता है। चलते हैं, ओके बाय बाय। सो गाइस, ये आंटी आई थी बांग्लादेश से घूमने इंडिया, कह रही थी मैं तो मेरा गांव है बिहार, ये देखो बाय बाय। कैसे देखो, दूसरे वो भाई भी आया था यहाँ से, बांग्लादेश से ही थे। ये जो नदी यहाँ पे डाउकी रिवर इसको बोलते हैं, ये दुनिया की शायद एशिया की नहीं दुनिया की सबसे साफ नदियों में से एक है। और ये इतनी साफ है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो, जब आप इस पर बोटिंग करते हो ना तो आप जो फ्लोर है नदी का वो एकदम ट्रांसपेरेंट आराम से देख सकते हो, और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस है। 800 रुपये पर बोट का यहाँ आपको जो चार्ज है वो देना पड़ता है। तो डाउकी हो गई अपनी सेवन्थ प्लेस, मतलब कन्फ्यूज हूँ भाई, समझ लेना जब मैं वीडियो एडिट करूँगा डाल दूँगा। और यहाँ पर ये बच्चा था जिसको जब हम बोट से उतर रहे थे डाउकी से, तो इसने मुझे हाथ दिया और मतलब जब मैं इसको पैसे देने लगा तो ये बोला चो लेना। मैं कह रहा क्या बोल रहा है, मेरे को समझ नहीं आया। तब मेरे को नैना ने बोला, ये बोला चले ना, क्योंकि वो बांग्लादेश का था, बस वो वहाँ पर खेलने के लिए आता है और टूरिस्ट की हेल्प करता है। तो मतलब इस तरह के एक यूनिक एक्सपीरियंस जो है ना आपको देखने को मिलते हैं डाउकी में। अरे तू ही ले ले, ले। चोले ना ले लो, ले लो टॉफी खा ले, ले लो चले ना, चले ना का क्या मतलब हुआ? चोले ना हेलो देखी तो यहाँ क्या कर रहे हैं? मजे ले रहा है बोटिंग के।
8th नंबर पे है स्नो पडंग, जो कि पड़ता है सिर्फ डौकी से 7.5 किलोमीटर दूर। देखिए आप जब चिरापुंजी से डौकी की तरफ जाओगे तो आपका काफी 3 से 3.5 घंटे लगने वाले हैं। और डौकी एक ऐसी जगह है जहां पर आप स्टे करोगे, तो स्टे करने के लिए जो मैं सबसे बेहतरीन जगह आपको बता रहा हूँ वो है स्नो पडंग। और ये जो जगह है ना भाई, ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट नहीं, शायद बेस्ट जगहों में से एक है जो मेघालय में जरूर जाना चाहूंगा। यहाँ पर होती है आपकी स्नो पडंग की जो रिवर है, जो डौकी रिवर ही गई है, वहाँ पर उसके बराबर में होती है आपकी कैंपिंग। और इतनी बेहतरीन कैंपिंग होती है, 2000 में 2 बंदे विद मील्स इंक्लूडेड होता है। और यहाँ पर जो वोटिंग है वो डौकी का प्रोमैक्स लेवल है, जो मैं आपसे बोल रहा था ना जैसे आईफोन होता है, तो डौकी का प्रोमैक्स लेवल अगर आपको वोटिंग करनी है तो वो आपको आना पड़ेगा स्नो पडंग। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना भाई, पूरे पूरे पहाड़ है पानी के अंदर, इतना खूबसूरत, 50-50 किलो की मछलियाँ हैं अंदर। तो आप यहाँ पे स्नो पडंग में बोटिंग करते हो तो आपको वहाँ पर ना जब एक एंड पे जाते हो तो आपको मिलता है एक वाटरफॉल। और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है, मतलब आपको एक बार एक सेकंड को डर भी लग सकता है, फिर ऐसा देखने को, मतलब आपकी आंखें ना उस वाटरफॉल से हटती नहीं है, क्योंकि इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस है। 3-3 जगहों से पानी आ रहा है और वो इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर है, वो आपको बिल्कुल पास तक लेके जाएंगे और फिर वहाँ से बोट घुमाते हैं। ओ भाई ये देखो मौसम से, पूरे पहाड़ देखते हो आपकी बोट के नीचे से जा रहे हैं, और कई बार तो उन पहाड़ों के ऊपर से आपकी बोट जाती है तो लगती भी है, वो पत्थर लगता है और आपको वो महसूस होती है कि यार आप कितनी हेवनली जगह पर ट्रैवल कर रहे हो। तो अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यार मैंने पूरा मेघालय घूमा आपके लिए, बेस्ट जगह घूमी। मैं 20-25 जगह गया था, पर ये वो 10 जगह हैं जहाँ मैं चाहूँगा आप जाएं, और मैं कह सकता हूँ इनमें से एक भी जगह आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि आपके भाई ने ये मेक श्योर किया कि आप जहाँ पे जाओ आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस मिले, है ना। अब हम बात करेंगे जगह नंबर 9 के बारे में। 9th रैंक जिसने हासिल किया वो है क्रमसूरी वाटरफॉल्स गाइस। और 9th नंबर का मतलब ये नहीं है, आप ये मत सोचना मैंने वैसे रैंक नहीं किया इन जगहों को कि आप सोचे, वो अलग काम है। मतलब अगर मैं क्रमसूरी को डालूंगा तो ये वन ऑफ द, ये मान लो अगर मैं इसको रैंक दूंगा वाटरफॉल में तो 1st नंबर की रैंक दूंगा। इतनी खूबसूरत जगह है ये क्रमसूरी वाटरफॉल कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ब्लू वाटर जो है यार, उसका क्या ही कहना, ओ बॉस, मतलब वो आपको बार बार बोलता है कि भाई लाइफ जैकेट पकड़ और कूद जा, आ जा मेरे पास, इतनी खूबसूरत जगह है। इस क्रमसूरी वाटरफॉल पे पहुंचने के लिए आपको मुश्किल से 10-15 मिनट का ट्रैक करना पड़ता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है बट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ये वाटरफॉल मैं बोलूँगा भाई गलती से भी मिस मत करना, चाहे आप 2 दिन के लिए क्यों नहीं मेघालय जा रहे, क्योंकि यही वो वाटरफॉल है जो आपको वाटरफॉल क्या होता है इसके मायने समझाएगा। सबसे बढ़िया बात क्या है कि वाटरफॉल से ऊपर एक स्लोप बन रहा है, उसके बाद पूरी एक रिवर है ट्रांसपेरेंट वाटर की, वहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हो। बोटिंग करने के बाद पैदल आओ, अपना वाटरफॉल पर बैठो, लाइफ जैकेट लो और कूद जाओ। बोटिंग भी हो रही है तो बोटिंग वगैरह भी हम कर सकते हैं, टिकट काउंटर से ही बोटिंग वगैरह के टिकट मिल जाएंगे, बट इट्स वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस यार। 10th नंबर पे कौन सी जगह, और अनफॉर्चुनेटली मैं इस जगह पे नहीं जा पाया क्योंकि इसका नाम है फीफी वाटरफॉल, और ये क्रमसूरी से सिर्फ और सिर्फ 5-7 किलोमीटर पड़ता है। बट हुआ क्या था कि जब हम क्रमसूरी वाटरफॉल पे पहुंचे तो ऑलरेडी 3:30-4 बज चुके थे, और हमें क्रमसूरी वाटरफॉल पे इतना टाइम लग गया क्योंकि वो थी ही इतनी खूबसूरत जगह है, वहाँ पर हमें 1.5 से 2 घंटे लग गया। और जो फीफी फॉल्स है वो 5 बजे के आसपास बंद हो जाता है, तो ये ऐसी जो जन्नत है ये मुझसे मिस हो गई, पर मैं चाहूँगा आप इसको मिस ना करें। ये वही वाटरफॉल है जिसका आप देखते हो ना अदाएँ दे देंगे लोग जो फोटो खिंचाते हैं, ये इस तरीके से जो अदाएँ देते हैं ना, तो वो फीफी वाटरफॉल है और ये क्रमसूरी के बहुत ही पास है। आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे यार इतनी फेमस जगह है माउली नोंग विलेज, इसने top 10 places में उस जगह का नाम क्यों नहीं डाला, क्योंकि भाई मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वो एक सब्जेक्ट, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इसलिए मैंने उसको ऑप्शनल में रखा है। 10 places जो मैंने आपको बताई ये तो मस्ट है, मतलब ये तो मिस करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और जो माउली नोंग विलेज है मैं आपको एक ऑप्शनल देता हूँ, बता देता हूँ जो मेरे हिसाब से किन लोगों को यहाँ पर जाना चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ हो आपको ज़रूर जाना चाहिए, आप एक ऐसे सोलो ट्रैवलर हो जिसको मतलब सोसाइटी कैसे मतलब रहती है, एक छोटा सा गांव इतना दूर सोसाइटी से, इतना दूर सिटी से, इतना दूर कैसे बेहतर तरीके से रह रहा है, और ये आपको जानने में इंटरेस्ट है तो आपको माउली नोंग विलेज जरूर जाना चाहिए। आप ऐसे ट्रैवलर हो जिसको पसंद है कि भाई एक कैसे गांव ने एशिया की वन ऑफ द बेस्ट लिस्ट में, मतलब वन ऑफ द बेस्ट साफ गांव में अपनी जगह बनाई, तो ये विलेज आपके लिए, क्योंकि ये एशिया का सबसे साफ गाँव है एज पर डिस्कवरी ने इसको अवार्ड दिया था। जो दिल्ली से लोग ऐसे टूरिस्ट आते हैं ना ऐसे गाँव में आके, वो बिल्कुल ही निफराम हो जाते हैं,
अभी देखो मैडम, मैडम लेट ही गई है बेंच पे, मतलब ऐसा इतना रिलैक्स है यहाँ की हवाओं में और हर चीज में, तो मैं रिलैक्स कर। ओहो, दिखाओगे दिल्ली से आई हूँ। आदमी पहचान जाएगा यहाँ की नहीं है, इसके हरकतें यहाँ की नहीं है। सबसे कम समय में जो आपका टाइम फ्रेम है 6 दिन और 10 दिन की, मैं इटनरी शेयर करने वाला हूँ, जिसमें बताऊँगा आप पहला दिन कैसे कौन सा डेस्टिनेशन कवर करिए, सेकेंड डे कौन सी डेस्टिनेशन आप कवर कर सकते हो, कहाँ पर कितना आपको रुकना चाहिए, जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उस एरिया के वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कहाँ पर कौन सा होटल जिस पर आपको खाना खाना चाहिए, मतलब बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर दूँगा, कहाँ से स्कूटी लेनी है, मतलब सब कुछ बताने वाला हूँ मेघालय की अल्टीमेट इटनरी में। तो इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेघालय और आने वाले काफ़ी सारे शहर और देश अब सिंप्लीफाइड हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा भाई आ चुका है तुम्हारी हेल्प करने। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।